जैसे कि हम उपस्थित है राजस्थान के इस जो पवन धारा पर, इस पवन धरती पर, और बाड़मेर जिले में हमारे साथ है हसन टोपी, जो उस्ताद है, घोड़ों के मशहूर घुड़सवार है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इस जो अल सकब बच्चे के बारे में थोड़ी जानकारी बताएंगे, जो सेम टू सेम सकब घोड़े जैसा ही लगता है। जी, सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। हसन भाई बताइए, इसमें ये इनकी कॉपी है क्या है, कहाँ से खरीदा था इस बच्चे का, और क्या उम्र है? देखो ये बच्चा था छोटा, जब से मुझे पता था, ये मुझे शौक था कि अल सकब जो वो सकब जैसा है, जी, सकब भाई सिराज भाई वाला घोड़ा है उसका जैसा है, जी, और उसके जैसा चलना बलना सब उसका जैसा है। उसकी सब अदाएं जो इस घोड़े में अदाएं हैं, जी, ये है अभी 20-22 महीने का। 20-22 महीने का। जी हाँ, और कितना चलता है? 35-34-35 हजार अभी। 34-35 चल रहा जी है। हाँ, और भी इस बच्चे के थोड़ी बारे में, बाल भौरी और हर चीज कैसे? में साफ है, जी हर जी चीज में साफ है घोड़ा। और भी थोड़ा सा इस टाकी का निशान है जी आंख जी में, जी जी ठीक है, जो इस तरफ जरा सा निशान आ जाए, और इसमें भौंरी भमरी साफ है। बताइए मुझे, बच्चा ये ये मैंने तो नहीं आजकल चलाया जो है। टाकी जो घोड़े चलते भी है, अच्छे भी है, अबला कलर का आते हैं, ये टर्निंग में क्यों चल रहे हैं? ऐसा क्या होता है? पहले तो कोई टाकी घोड़े को कोई देखता ही नहीं थे, देखो लेकिन अब आजकल बहुत इन जब घोड़े की डिमांड ये है। सिराज भाई वाला सकब चमका टाकी, जब से टाकी चल रहे भी हैं और टाकी का नाम रोशन हो रहा है। अच्छा, नाम रोशन भी हो रहा है। और ये तो घोड़ा मैं है जो इस पे सवारी बहुत कम हुई, मेरी नहीं हुई सवारी, जी, मेरा लड़का है उजेर, उसने सवारी की है, सब उसने घोड़ा चलाया। ये थोड़ा बताइए इसके मालिक कौन है, क्या है इसके बारे में? उजेर है। आप गो उजीर भाई जी हाँ करके? अच्छा, जी, मेरा लड़का है, उसके नाम का ये घोड़ा है, उसके हवाले ये घोड़ा। वही चलाते, खुद जी प्रैक्टिस हाँ, देते? उसको माशाल्लाह। शौक था जब से छोटा था, ये जब से उनको शौक था कि पापा ये घोड़ा मुझे लेना है, तो जब से उसके लिए ले लिया था, खड़ा है जूते घर में जी, और चल रहा भी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। और बताइए घोड़े की कितनी हाइट है? देखो हाइट तो अब घोड़ा होएगा 59 जैसा। 59 जैसा। जी हाँ, अजू है बच्चा छोटा। क्या है सेलिंग वेलिंग के बारे में? सेलिंग तो अच्छा दाम आएगा, तो जैसे पूछते दे देंगे इंशाल्लाह, नहीं बोलेगा लड़का तो नहीं देंगे। ऐसा अच्छा, ऐसा है। और कितने घोड़े हैं आपके पास? घोड़े तो मेरे पास 5 खड़े, घर पांच की है। घोड़ी है, घड़ी है। जी, उजीर भाई का ये जो बहुत शानदार बच्चा है, और जो इनके लड़के, इनको बहुत काफ़ी शौक है, काफ़ी समय से हम देख रहे, खुद घुड़सवारी करते हैं। देखो ये असब पालक है, और असब से इनकी बहुत अच्छी भावना है, और खुद घुड़सवारी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल इतने छोटे बच्चे का शौक, जिस तरह आप देख रहे, बहुत सुंदर भी घोड़ा है और बहुत अच्छे जो इनका मिजाज है, बहुत अच्छा है, शानदार है, शांत दमाग का है घोड़ा, और चलता है जब काफ़ी बहुत शानदार चलता है। तो मैं पूरा आपको दृश्य बता रहा हूँ घोड़े की, जिस तरह हाइट, पेस और कलर, लुकिंग बहुत शानदार है। हसन भाई बहुत माशाल्लाह, अच्छा ये घोड़ा। अभी मूड बना और बच्चे ने बोला तो ही हम सेल करेंगे, नहीं तो नहीं। जी तो नहीं करेंगे। क्या लग रहा है, रेस में कंपटीशन में भाग मुझे लेगा? उम्मीद है, इस घोड़े पे उम्मीद है कि इस घोड़ा ये हिंदुस्तान का चैंपियन बना के रहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आप तो वैसे बहुत कलाकार इस हो। घोड़े में जो पंवर है, वैसा घोड़े में अगर मेरे हाथ में आ गया, अभी तो लड़का घोड़ा करके बेटा बच्चा उजेर, जी, बाद में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसको घी भी देंगे तो बाद में ये घोड़ा कांटा कर, इस हालत में घोड़ा अभी कांटा कर रहा है। कम उम्र में बहुत अच्छा चल रहा हाँ, है। बहुत अच्छा जा रहा घोड़ा। जब तक रेस फाइट, अच्छे अच्छे घोड़े को पसीने से जैसलमेर उड़ाओगे, तक इंशाल्लाह मैं इसको रेस का तैयार कर लूंगा। तैयार कर देंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।